Dear students, again welcomes to you on online platform of Sri Shyam Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 14.4 of class 10th. Exercise 14.4, okay, class 10th. In this exercise, our target is ogive. Cumulative frequency करो और वी कैन से or an ogive. Ogive it means graph. ये टू टाइप से आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. एक तो लेस देन टाइप, इसके टू मेथड है. लेस देन टाइप, ओके, एंड सेकंड इज मोर देन टाइप. ओके, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. तो इस मेथड में लेस देन टाइप अपन को क्लास इंटरवल फाइंड करना है, और इसमें मोर देन टाइप क्लास इंटरवल फाइंड करना है. जनरली आप यू नो दैट क्लास इंटरवल क्या होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके. तो इसको लेस देन टाइप में चेंज करना है. तो अपर लिमिट से ये क्या आएगा, लेस देन है, और लोअर लिमिट से क्या है, मोर देन है. ठीक है, तो इसको अब मैं चेंज करके बताता हूँ. लेस देन टाइप क्लास इंटरवल, लेस देन टाइप क्लास इंटरवल. तो लेस देन अपर लिमिट से होगा, तो कैसे राइट करेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ओके. और मोर देन टाइप कैसे होएगा, मोर देन टाइप क्लास इंटरवल, मोर देन टाइप क्लास इंटरवल, ओके. तो लोअर लिमिट से क्या होएगा, मोर देन होएगा. तो मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ओके. ये टू टाइप के क्लास इंटरवल होंगे. लेस देन टाइप क्लास इंटरवल, तो अपर लिमिट से लेस देन होएगा,
और लोअर लिमिट से क्या होगा मोर देन होगा। ये क्लास इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। एक आपने क्लास इंटरवल का फॉर्म सीन किया था, नोटिस किया था, डिसकॉन्टिन्यूस। इसमें ये एक अबो था, ये वन अबो था ना, तो 0 to 10, फिर ये 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, ये डिसकॉन्टिन्यूस। जो लीव्स वाला क्वेश्चन आया था 14.3 में, उसमें अपन ने डिसकॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस में चेंज किया था। जितना अबो है उसके 2 पीस किए और लोअर लिमिट में से लेस कर दिया और अपर लिमिट में ऐड कर दिया। ओके, तो डिसकॉन्टिन्यूस को अपन ने चेंज किया क्लास इंटरवल में, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल अभी तक आपने नोटिस किए, कॉन्टिन्यूस टाइप क्लास इंटरवल, डिसकॉन्टिन्यूस टाइप क्लास इंटरवल, मोर देन टाइप क्लास इंटरवल एंड लेस देन टाइप क्लास इंटरवल। ओके, तो ओग्यू इट मींस, ओग्यू मींस क्या होता है, ग्राफ। ओग्यू इट मींस ग्राफ। ओके, ओग्यू मींस क्या होता है, ग्राफ। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं इसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएफ टेबल, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करनी है, एंड देन आपको जो डेटा है उनसे ग्राफ गेन करना है। ओके, तो 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। टेबल गिवन है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप सीएफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओग्यू। एक तो इसको कन्वर्ट करना है, जो आपको गिवन है टेबल उसको कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप CF डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको कन्वर्ट करना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ओके, लेस देन टाइप देखो, डेली इनकम इन रुपीज, फर्स्ट क्वेश्चन, डेली इनकम इन रुपीज। हंड्रेड टू 120, 122, 140, 140 to 160, 160 to 180, and 180 to 200. Okay. Now, number of workers. अपन इसको किसमें चेंज कर ले? इसको अपन चेंज कर लेते हैं less than type class interval में। ये क्या है? क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल। ओके, या फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप डेटा ही राइट कर लो, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है, 12
14, 8, 6, 10. 14, 8, 6 and 10. ये हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई। ये टू रोज गिवन है, ओके। नाउ लेस डेली इनकम इन रुपीज, डेली इनकम इन रुपीज और लेस देन टाइप क्लास इंटरवेल, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लेस देन टाइप क्लास इंटरवेल। तो अपर लिमिट से लेस देन होएगा, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, ओके। नाउ लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे जनरल फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही फाइंड होती है, ओके। तो लेस देन टाइप या डायरेक्ट कम्युलेटिव सी एफ राइट कर देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 12 एज इट इज क्रॉस हेडिंग 2, 4, 6, 1, 1, 2, 26 हो गया, 26 and 8, 34, 34 and 6, 40, 40 and 10, 50, clear। Points on ogive, points on ogive। तो नाइन्थ में आपने ओग्यू इट मीन्स ग्राफ ड्रॉ किया होगा, ये अपन एक्स एक्सिस पे लेंगे ये डेटा और ये अपन वाई एक्सिस पे लेंगे। सी एफ वाई एक्सिस पे आपको टैग करना है और लेस देन टाइप सी एफ क्लास इंटरवल उसको एक्स एक्सिस पे। तो ए 120, 12, बी 140, 26, सी 160, 34, डी 180, 40 एंड ई 200, 50, ओके। दीज आर कोऑर्डिनेट्स, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज वैल्यू ऑफ वाई। तो आप इससे ओगिव की फॉर्मेशन, इट मीन्स ग्राफ की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक्स एंड वाई के माइनस की वैल्यू नहीं है, ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की नीड है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे सी एफ एक्सटेंड होगी और इधर डेली इनकम इन रुपीज, ओके। ओरिजिन पॉइंट हो ये दिल्ली, इनकम इन रुपीज इस साइड में एक्सटेंड हो, ओके। दिस इज फॉर्मेट ऑफ ग्राफ। नाउ वी आर सेट
the scale on each axis. When we set the scale on in each axis, minimum value and maximum value available on each axis and difference between two data will be same. Okay, so minimum value 120 and maximum value 200. 20-20 का गैप अपन कर लेते हैं. 120, 140, 160, 180 एंड 200. ओके, और ये 10-10 का गैप अपन वाई एक्सिस पे ले लेते हैं. 10, 20, 30, 40 एंड 50. नाउ 120 एंड 12, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल 120 एंड 12 की डायरेक्शन में. x की वैल्यू क्या है 120 एंड y की वैल्यू 10 से टू थिन लाइंस अबो, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, x की वैल्यू 120 एंड वैल्यू ऑफ y 12. दिस इज अवर पॉइंट a. ओके, नाउ 140 एंड 26, तो ये हाफ बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25 को, इससे वन थिन लाइन अबो, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 140 एंड 26, पॉइंट बी हो गया 140 एंड 26, दिस इज पॉइंट बी. एंड पॉइंट सी 160 और 34, ये यहाँ पे आ जाएगा 34 एंड 160. ओके, दिस इज पॉइंट सी 180 एंड 40, ये एक्स की डायरेक्शन में 180 एंड वाई की डायरेक्शन में 40, और 200 एंड 50, एक्स की डायरेक्शन में 200 और वाई की डायरेक्शन में 50. यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई. तो जब आप ग्राफ पेपर पे इस ओगिव को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, इसको ज्वाइन करा देना पॉइंट्स को. ओके, ये हो गया. लेस देन टाइप ओग्यू, ये क्या है, लेस देन टाइप ओग्यू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे स्केल राइट करना है. स्केल ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स, यहाँ पे किक शो कर देना, यहाँ पे गैप कितने गए, ये गैप है 120 माइनस 0 120 का, और बाकी में गैप यानी डिफरेंस कितने गए 20 का, बट यहाँ पे जो 180 है उनकी नीड नहीं है, डायरेक्ट 0 टू 120 है, फिर 20-20 का गैप है, तो ये किंक शो करते हैं अपन यहाँ पे. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल 20 यूनिट, अब यहाँ पे 20 यूनिट का गैप नहीं है, 120 का है, 120 माइनस 0, गैप फाइंड करना है, इट मीन्स डिफरेंस फाइंड करना, और डिफरेंस फाइंड करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉरवर्ड वैल्यू में से बैकवर्ड वैल्यू लेस कर दो. ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स
is equal 10 unit. Okay, so this is our question number first complete. Okay, यहाँ पे write कर सकते हो by table, by table we obtained the graph. ये भी write कर सकते हो या direct write कर दो less than type होगी होगी. ये below to above increase होएगा, below to above less than type. Now question number second. During the medical checkup, 35 students of a class, their weights are recorded as follows. Okay. Draw a less than type or give the given data. Hence, obtain the median weight for the graph and verify the result by using formula. Okay, तो एक तो आपको find क्या करना है, less than type or give draw करना है और फिर इससे graph draw करना है. Okay, और then आपको मीडियन फाइंड करना है बाय ग्राफ. ओके, तो देखो ये सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, जो गिवन टेबल है उसको. वेट इन केजी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेट इन केजी, येगा क्लास इंटरवेल गिवन है, क्लास इंटरवेल 36 to 38, 38 to 40, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48 and 48 to 50, 52. Okay, number of students ये frequency form में, frequency fi frequency form 0 3 2 4 0 3 2 4 5 14 5 14 4 3 4 and 3. ये डेटा आपको गिवन है. तो ये क्लास इंटरवेल को लेस देन टाइप क्लास इंटरवेल में कन्वर्ट करना. वेट इन केजी, इसको लेस देन टाइप में वेट इन केजी और ये होगा लेस देन टाइप CI राइट कर रहा हूँ क्लास इंटरवेल. ओके, तो लेस देन ये अपर लिमिट से लेस देन होता है, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44,
less than 46, less than 48, less than 50, less than 52, ओके अब इसको कन्वर्ट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF, F से CF जनरली अपन फाइंड करते हैं, वैसे ही फाइंड करना है। जीरो एज इट इज, जीरो एंड थ्री क्रॉस सेटिंग होएगा, थ्री, थ्री एंड टू फाइव, फाइव टू नाइन, नाइन एंड फाइव फोर्टीन, फोर्टीन एंड फोर्टीन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट एंड फोर थर्टी टू, थर्टी टू एंड थ्री थर्टी फाइव। ओके अब अपन को ओग्यू ड्रॉ करना है। ओके पॉइंट्स ऑन ग्राफ होगा, पॉइंट्स ऑन ओग्यू कह लो या ग्राफ कह लो आप। ए 38 एंड 0, बी 40 एंड 3, सी 42 एंड 5, डी 44 एंड 9, ई 46 एंड 14, एफ 48 एंड 28, जी 50 एंड 32 एंड एच 52 एंड 35। ओके नाउ ओग्यू, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज है, उसमें 2-2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अपन 5-5 का डिफरेंस ले लें या 10-10 का, 10-10 का ले लेते हैं। ओके तो ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ, ओनली एक्स एक्सिस की नीड है एंड ओनली वाई एक्सिस की नीड है, प्लस वाई एक्सिस एंड प्लस एक्स एक्सिस। ओके ओरिजिन पॉइंट ओ, यहाँ पे सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर एक्सटेंड हो रही है, और वेट इन केजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट इन केजी, इधर ये एक्सटेंड हो रहा है। नाउ सेट द स्केल ऑन ईच एक्सिस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स 38 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स 52, गैप 2-2 का है। ओके तो 38 से स्टार्ट करते हैं अपन, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। ओके नाउ ऑन वाई एक्सिस मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 35, तो 10-10 का डिफरेंस ले लिया अपन, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे किंक शो करना होगा किंक, क्योंकि यहाँ पे 38 माइनस 0 38 का डिफरेंस है और बाकी में 2 का डिफरेंस है, तो ये किंक शो कर दिया किंक। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए हो गया 38 एंड 0, नाउ 40 एंड 3, ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ए हो गया एंड ये बी हो गया, 42 एंड 5, ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर
5 आप बिग बॉक्स 44 एंड 9 ये 10 से थोड़ा सा डाउन पॉइंट डी ओके एफ 46 एंड 14 ये यहाँ पे हो जाएगा ई एंड 48 28 ये यहाँ पे हो जाएगा 48 28 एफ ई एफ हो गया 50 एंड 32 50 एंड 32 यहाँ पे हो जाएगा ओके और 52 एंड 35 ये अपन को इसकी 50 की नीड नहीं है ओके 50 की नीड नहीं है या गैप आप ज़्यादा भी ले सकते हो 5-5 का तो थोड़ा ये और इजी हो जाएगा ये 50 ओके अब वन बिग बॉक्स के मिडल में टेंस लाइन होती है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अभी कौन किसकी डायरेक्शन में है 9 कहाँ पे आएगा 5 कहाँ पे आएगा 3 कहाँ पे आएगा ओके जी एंड एच अब ज्वाइन करा देते हैं इसको ओके ये हमने क्या करा दिया ज्वाइन करा दिया नाउ ये हो गया लेस देन टाइप ओग्यू ओके लेस देन टाइप ओग्यू स्केल सेट करते हैं अपन स्केल में क्या होगा ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू यूनिट टू का डिफरेंस है देन टू यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल 10 यूनिट 10 का गैप है ओके अब अपन को क्या फाइंड करना है अपन को फाइंड करना है इस ओग्यू में मीडियन तो सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सिग्मा एफ आई इट मीन्स एन इसकी वैल्यू है 35 ओके तो एन वाई टू मीडियन बाय अब अपन कर रहे हैं स्टूडेंट्स मीडियन बाय ग्राफ मीडियन बाय ग्राफ और ओग्यू ओके बिकॉज एन वाई टू इज इक्वल 35 अपॉन 2 इज इक्वल 17.5 ओके ये हो गया टैग ए पॉइंट 0.17.5 ऑन वाई एक्सिस ओके ये अपन ने वाई एक्सिस पे लिया ये 17.5 यहाँ पे आ गया ओके ये आ गया 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वाई एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 17.5 ओके ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस
draw a parallel line to x-axis. Okay, draw a parallel line to x-axis. Okay. ये पॉइंट ए कह दिया हमने ए, ये इसको पी कह दिया पी, पॉइंट पी. ओके, और ये हो गया क्यू. टैग ए पॉइंट पी 0.17.5 ऑन वाई एक्सिस. ओके, ड्रॉ ए पी पी क्यू पैरेलल टू X axis. Draw PQ parallel to X axis. Okay. It is cutting. You are intersecting. Intersecting the ogive line at point Q. Okay. And point Q and point Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 46.5 है बेसिकली. 46.5, 17.5. तो वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विल बी आवर मीडियन. तो ये 46.5 है, हेंस मीडियन क्या होएगा? मीडियन होएगा, यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मीडियन होएगा 46.5. मीडियन क्या हो गया? 46.5. यानी आपको क्या करना है, ny2 17.5. तो इस पॉइंट को आपको एक्स वाई एक्सिस पे टैग करना है. ओके, और उससे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ये लाइन ऑगिव लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होएगा? मीडियन होएगा. ओके, तो मीडियन बाय ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं? टैग ए पॉइंट पी 0.17.5, बिकॉज 17.5 इज हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ऑन वाई एक्सिस ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट इज इंटरसेक्टिंग द ओगिव लाइन एट पॉइंट क्यू, एंड क्यू कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 46.5 वैल्यू ऑफ एक्स एंड 17.5 वैल्यू ऑफ वाई. ओके, हेंस मीडियन जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट क्यू का, वो क्या होगा? मीडियन होगा. ओके, तो ये आपको ग्राफ स्केल, ये सी एफ इधर एक्सटेंड हो रही है, वेट इन के जी इधर एक्सटेंड हो रहा है. ओके, ग्राफ हो गया और बाय ग्राफ मीडियन फाइंड किया. अब इसमें से अपन को फाइंड करना है बाय फॉर्मूला मीडियन फाइंड करना है, चेक करना है 46.5 गेन हो रहा है कि नहीं. ओके, तो बाय फॉर्मूले के लिए आपको कॉन्टिन्यूस टाइप क्लास इंटरवल की नीड है.
ओके इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर मीडियन, कैलकुलेशन फॉर मीडियन क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। और कैलकुलेशन फॉर मीडियन एम, अब वही प्रोसेस करना आपको, बिकॉज एन वाई टू इट मीन्स 35/2 इज इक्वल 17.5 टू जस्ट अबाउ सी एफ, टू जस्ट अबाउ सी एफ इज, जस्ट अबाउ सी एफ क्या है 17.5 से 28 है, तो ये रो कट हो जाएगी। ओके इज 28 एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास इंटरवेल इज, मीडियन क्लास इंटरवेल इज 46 to 48। ओके वन लाइन स्किप, मीडियन एम, मीडियन एम इज इक्वल, राइट द फॉर्मूला, एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, एल इन प्लस एंड एच इन मल्टीप्लाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवेल 46 और एन वाई टू 17.5 एंड सी एफ, सी एफ 14 हो गया, सी एफ क्या होगा 14 एंड एफ, एफ ऑल्सो 14। ओके एंड एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स, 46 प्लस वैल्यू ऑफ एन वाई टू 17.5 माइनस 14 अपॉन 14, ये इससे कट मत कर देना, ये माइनस है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना होता है, ये 14 से 14 कट नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ एच 2, अब इसमें से ये लेस ही होना है, 46 प्लस ये हो गया 3.5 अपॉन 14 इंटू 2, 2 से 1 जा 14 और ये आ गया 0.5, 7 ये 3 स्मॉल है और मिडिल में पॉइंट है तो पॉइंट इन क्वोशेंट, अब 5 ज्वाइन हो जाएगा 0.5 आ गया, ये आ गया आपके पास 46 प्लस 0.5 ये आ गया 46.5। हेंस मीडियन एम इज इक्वल, यही अपन ने डायरेक्ट ग्राफ से मीडियन फाइंड किया था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको ग्राफ से भी फाइंड करना है और टेबल से भी फाइंड करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3, आफ्टर दिस क्वेश्चन चैप्टर 14 इज कंप्लीट। ओके मोर देन टाइप क्लास इंटरवेल से ओग्यू की फॉर्मेशन करनी, मोर देन टाइप सी एफ कैसे फाइंड करेंगे वो देखना। तो द फॉलोइंग टेबल्स गिवन प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर, हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फॉर्म्स ऑफ ए विलेज, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओग्यू। तो प्रोडक्शन, लास्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन यील्ड इन हेक्टेयर, इन हेक्टेयर। ओके
ये क्लास इंटरवल फॉर्म में, क्लास इंटरवल, ओके। Fifty to fifty-five, fifty-five to sixty, sixty to sixty-five, sixty-five to seventy, seventy to seventy-five, and seventy-five to eighty. Okay. Now, number of farms. ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी एफ आई, 2, 8, 12, 2, 8, 12, 24, 38 and 16, इसका अपन ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ आई डिवाइड्स एन, ये बेगा 2, 8, 10 और 2, 12 for 16, 28 and 6, 30, carry 3, 1 or 2, 3, 3, 6 or 1, 7 for 3 carry 10, okay. Now production yield in kg, production yield in kg more than type class interval, okay. More than किससे होगा, lower limit से, more than 50, more than 55, more than 60, more than 65, more than 70, ये lower limit से अब होएगा, more than 70 and more than 75, okay. Now cumulative frequency, more than type cumulative frequency, इसे more than type में cumulative frequency देखो कैसे पढ़ेंगे, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100, okay. और 100 minus 2 क्या हो गया, 98 minus, ये ऐसे cross subtracting हो रहा है, 90 minus 12 78 78 minus 24 8 minus 4 क्या हो गया, 4 7 minus 2 54 54 minus 38, ये आ गया 16. अब 16 में 16 less होएगा, data ही नहीं होगा, okay. Now points on ogive, ये अपन x एक्सिस पे और cf y एक्सिस पे, a होएगा 50 एंड 100 और b होएगा 55 एंड 98, c 60 एंड 90, d 65 एंड 78 एंड e 70 एंड 54, f 75 एंड 16, ओके। Points on ogive, x axis and y axis, plus x axis and plus y axis, ये plus x axis और ये plus y axis, so this is origin point, set the scale on each axis, minimum value each axis की है 50 and maximum है 75, तो अपन
फाइव फाइव का डिफरेंस ले लें, 55, 60, 65, 70, 75, ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ ये क्या है, प्रोडक्शन यील्ड, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी, ओके। और यहाँ पे किंक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 5 का नहीं है, 55 का है, 10-10 का यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ से मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझ में तो आई गया, ये रफ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पहले से नहीं है मेरे पास, ओके। एटी, नाइन्टी एंड हंड्रेड, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। नाउ 50 एंड 100, ये पॉइंट ए हो गया, 55 एंड 50 भी था क्या, 50 तो हमने लिए, इसको आप 50 भी है, ये अरेंजमेंट मार, 55, 60, 65 एंड 70 एंड 75, ओके। पॉइंट ए हो गया, 55 है तब 98 है, दिस इज पॉइंट बी, और 60 है देन 90 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ओके। 65 है देन 78 यहाँ पे आ जाएगा, सी एंड डी, ओके। एंड 70 है देन 54, ये यहाँ पे आ जाएगा, ई 75 एंड 16 ये यहाँ पे आ जाएगा, एफ, इनको ज्वाइन करा दो आप, ओके। ये एस सी एफ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ये मोर देन टाइप होगी वे, ओके। स्केल सेट कर देते हैं अपन, यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, वन बिग बॉक्स इज इक्वल 1-5 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल 10 यूनिट, ओके। इसमें अबोव टू बिलो ऑगिव गेन होता है, और लेस देन टाइप में बिलो टू अबोव। इसमें सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, मोर देन टाइप सी एफ जो सिग्मा एफ है उसकी वैल्यू यहाँ पे, फिर क्रॉस सब्ट्रैक्टिंग होगी ऐसे, ओके। तो ये सी एफ ऐसे फाइंड करते हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.4 इज कंप्लीट एंड चैप्टर 14 इज कंप्लीट, दी एंड, ओके। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।